एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य नीति क्लास। आज मैं आपके सामने एक रीजनिंग का टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि रीजनिंग का टॉपिक क्या है, आजकल बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। कुछ एग्जाम में चेंजेस कर दिए गए हैं और रीजनिंग का कुछ पार्ट ऐड कर दिया गया है। ऐसे ही 10 क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ, तो एंड तक इस वीडियो को देखें और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलो सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ड्राइवर इक्वल टू 12, आफ्टर दैट वन वर्ड इज रिटर्न, इट इज नॉट अ प्रॉपर स्पेलिंग्स, सो इट्स वैल्यू इज 20, देन एक्सीडेंट वर्ड इज रिटर्न, देन वैल्यू इज 16, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कार। सो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स अपना लॉजिक लगाते हैं कि डी कौन से नंबर पे आता है, आर कौन से नंबर पे आता है, तो उनको एड और सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, कोशिश इसमें आप पहले वो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन का लॉजिक वही होता है, पर कुछ क्वेश्चन में आपको डिफरेंट सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या सोचना पड़ेगा आपको, आपको दिखाई दे रहा है कि ड्राइवर में कितने वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स हैं टोटल। यहाँ पे आप इन वर्ड्स को काउंट करें, अल्फाबेट्स को काउंट करें, तो टोटल 10 है आपके, और यहाँ पे जब आप इनको काउंट करेंगे तो टोटल 8 है। तो यहाँ से लॉजिक निकलता है आपका कि 6 टू जा कितना है 12, 10 टू जा कितना है 20, एंड 8 टू जा कितना है 16। तो आपका कार का लॉजिक क्या लगेगा, सेम एज इट इज आप कार के अल्फाबेट्स को काउंट करेंगे, आपके पास अल्फाबेट कितने हैं 3, आपके पास अल्फाबेट है तो आप उसका भी टूजा निकालेंगे, तो 3 टूजा क्या हुआ आपके पास 6, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप सोचें और क्वेश्चंस को सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या आपको गिवन है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज, DHL, PTX एंड BFL इज गिवन। सो इनमें कौन सा लॉजिक आपका लगता है, कई बार क्या होता है ये इसके साथ कनेक्टेड होता है, ये इसके साथ कनेक्टेड होता है, या तो ये सीरीज आपको मिलती है या फिर इन्हीं के अंदर कोई ना कोई कनेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाने की कोशिश की कि डी के बाद बी कुछ लेटर्स को छोड़ के में भी आ गया हो, पर उसके बाद फिर बी दे दिया गया, तो मीन्स ये सीरीज तो नहीं बन रही है, क्योंकि पी के बाद यदि यू वी कुछ आता तो हमें लॉजिक समझ में आता। तो यहाँ पे आपको अब इनके बीच में ही ढूंढना पड़ेगा कि क्या कोई लॉजिक है इनके बीच में, तो देखने की कोशिश करते हैं। डी के बाद आप इनमें देखेंगे कि डी के बाद आप देखो ई एफ जी, 3 लेटर्स आए, एच के बाद एच आई जे के, 3 लेटर्स आते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मली आप इसमें भी चेक करेंगे पी के बाद क्या हो आर एस, 3 लेटर इनके बीच में, फिर इनके बीच में टी यू वी डब्ल्यू, तो सिमिलरली आप में ये भी इसी में भी यही पैटर्न आपको मिलेगा। तो अब आप ऑप्शन में जाएं डायरेक्ट, जब आपने दो को फॉलो कर लिया तो तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें भी वही मिलता है। तो नेक्स्ट में हम चेक करते हैं कि क्या इनमें भी वही कंसेप्ट बन रहा है, जिसमें वही कंसेप्ट बन रहा है वही आपका आंसर है। तो सी के बाद सी डी ई एफ जी नॉर्मली आ रहा है, आपके बाद जी एच आई जे के, तो यहां पे देखो डी ई एफ जी आ गया, फिर उसके बाद एच आई जे, तो इसमें भी वही आ रहा है, तो इसमें आप चेक करो के एल एम एन, फिर भी 3 लेटर्स, यहां पे भी ओ पी क्यू आर, यहां पे भी 3, तो यहां पे चेक करो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो इन तीनों में आपका तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। नीचे वाले में आप जाएंगे तो ओ पी क्यू आर एस, तो इसमें नहीं होगा, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, उसमें इतने लेटर्स का गैप नहीं है। अब आपको लॉजिक लगाना है कि इन तीनों में से कौन सा आपका ऑप्शन हो सकता है। यहां से आप देखो कि डी बी के बाद डी आ रहा है, तो बी और सी का गैप इनके बीच में, तो यहाँ पे आप वही देखो कि पी से एक लेटर पहले छोड़ के आपको क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो एन आर वी, तो एन के बाद आपने एन ओ छोड़ा और फिर आपका क्या आ गया पी आ गया, तो इस तरीके से ये सीरीज आपकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन ए सर्टेन लैंग्वेज गो होम इज रिटन एज, आप गो होम को इंडिकेट किया गया है टा और ना से, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि गो और होम इन दोनों में से एक वैल्यू टा की होगी और एक वैल्यू ना की होगी, आफ्टर दैट स्वीट होम, तो यहाँ पे स्वीट होम की वैल्यू है ना जा, तो यहां से पता चलेगा आपको कि यहाँ पे भी होम है और यहाँ पे भी होम है, तो होम कौन सी वैल्यू यहाँ पे कौन सी वैल्यू नीचे भी रिपीट हुई है, तो यहाँ पे टा और ना थे और यहाँ पे ना और जाते, इट मीन्स ना वैल्यू किसकी हुई आपकी होम की। तो यहाँ से जो वैल्यू आपको वर्ड्स रिपीट दिख रहे हैं और फिर वैल्यू भी रिपीट दिख रही है, तो वो वैल्यू उस वर्ड की आ जाती है, तो यहाँ से आपकी होम की वैल्यू आ गई। तो यदि होम ना को इंडिकेट कर रहा है तो गो किसको इंडिकेट करेगा,
टा को इंडिकेट करेगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गो इंडिकेट करेगा टा को। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या पूछा गया वो देखना है आपको। तो यहाँ से स्वीट होम दोनों की वैल्यू आ गई, तो स्वीट की वैल्यू क्या होगी, यदि वो ना को रिप्रेजेंट कर रहा था तो स्वीट जा को रिप्रेजेंट करेगा। स्वीट किसको रिप्रेजेंट करेगा, जा को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पूछा क्या गया, पूछा आपको गया है किशोर एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट स्वीट एंड श्योर, आपको निकालना है कि स्वीट एंड श्योर की वैल्यू क्या है। स्वीट की वैल्यू आपको पता चल गई है क्या है, जा है। अब पूछा गया एंड वर्ड एक नया आया है निकल के और श्योर वर्ड एक नया आया है, तो इनके लिए वैल्यू दी गई है पा और सा। तो यहां से आप देखोगे आगे और कहीं पे भी एंड और श्योर को इंडिकेट नहीं किया गया है किसी भी वैल्यू से, तो यहाँ पे श्योर को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा कि उसकी वैल्यू पा आएगी या सा आएगी। तो यहां से आपके आंसर्स पे आप जाओगे, फिर आप यहाँ पे देखो कि सी आंसर दिया गया है कि पा और सा, क्योंकि एंड और श्योर की वैल्यू पा और सा में से कोई एक है, दोनों की आपस में कोई भी हो सकती है, तो यहां से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सी ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कुछ और क्वेश्चन मैं आपके सामने सोल्व करने वाली हूँ। सर आपके सामने है, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ए इज बी सिस्टर, सी इज बी मदर, डी इज सी फादर, ई इज डी मदर, सो हाउ इज द ए रिलेटेड टू दी डी। अब आपको ये बताना है कि और ए और डी का रिलेशन क्या है। तो क्वेश्चन के कंसेप्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक जो सेम सीरीज में जाते हैं उनको अलग से लिखते हैं और जो एक लेवल पे आते हैं रिलेशन में तो उनको एक साथ लिखते हैं। कैसे, मैं बात करी ए बी की सिस्टर है तो ए और बी एक ही कैटेगरी में है और ए बी की सिस्टर है तो इसके नीचे थोड़ा सा हल्का लिख लेते हैं कि ये फीमेल है और बी के बारे में अभी कुछ नहीं पता। तो नेक्स्ट है सी इज बी मदर, अब सी जो है बी की मदर है तो ये बी की मदर है, तो सी बी की मदर है और यहाँ पे ये क्या है आपकी फीमेल है, ठीक है। तो ये इसकी मदर हुई तो वो इसकी भी मदर होगी, ये तो आपको क्लियर ही है। तो D इज C फादर, अब C का फादर बता दिया गया है ऊपर, जो D है वो C का फादर है और वो मेल है। E इज D मदर, अब E आ गई है D की मदर ऊपर, एक और इसकी भी मदर आ गई है ऊपर। अब इससे जो रिलेशन है इस तरीके से हम ऊपर से ऊपर लिखते जाएंगे, डिफरेंट कैटेगरी के है तो यहाँ पे आप लिखेंगे E इज D मदर, तो वो भी उसकी क्या आ गई, मदर मीन्स वो फीमेल है आपकी, ठीक है। तो अब पूछा क्या गया है, ए और डी का रिलेशन पूछा गया है, तो ए और डी का रिलेशन आप देखो कि ये इसकी मदर थी और फिर वो उसकी क्या आ गई है, डी फादर आ गया, तो ये आ गया मेल, तो मीन्स या तो वो ग्रैंड फादर हो सकता है, मदर का फादर है, आप वो मदर का फादर आप बोल सकते हैं कि मदर तो जो वो उसका ससुर को भी फादर हो सकता है और उसका जो खुद का फादर है मदर का वो भी हो सकता है। तो आंसर में आप फिर इसके आंसर्स पे जाएंगे, आंसर्स में दिया हुआ है ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, तो वो फादर ए जो है मेल है तो वो ग्रैंड फादर ही होगा, और ग्रैंड फादर में यदि आप देखोगे तो हिंदी में ऑप्शन मिले थे या तो वो दादा है और या वो नाना है, तो ऑप्शन फोर आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा है इस क्वेश्चन को। देर आर डियर एंड पीकॉक इन अ जू, बाय काउंटिंग द हेड्स दे आर 80, मीन्स आपके पास कुछ हिरन है और कुछ मोर है जू के अंदर और उनके हेड्स को काउंट किया गया है तो वो 80 आपको मिले हैं। द नंबर ऑफ देयर लेग्स आर 200, और जो उनकी लेग्स को काउंट किया गया तो वो आपके सामने 200 आपके सामने आती है, तो हाउ मेनी पीकॉक आर देयर, तो आपको बताना है कि पीकॉक वहां पे टोटल कितने थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है टोटल हेड्स 80 है, तो हेड तो आपको पता है एक पर्सन का एक ही हेड होता है, तो इट मीन्स टोटल 80 ही वहां पे मोर और पीकॉक दोनों मिला के 80 थे, टोटल उनकी स्ट्रेंथ क्या थी 80 थी। उसके बाद टोटल लेग्स पूछा गया है, अब आपको पता है कि मोर जो होता है मोर के लेग्स होते हैं 2 आपके और हिरन के कितने होते हैं 4 होते हैं, तो यहां से आपको लॉजिक निकालना है और पूछा गया है कि पीकॉक के आपको बताना है कि पीकॉक कितने थे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से चेक करना होता है, तो अब देखो ऑप्शन से मैं चेक कर रही हूं, यदि मैं मान लू मेरे पीकॉक कितने थे 20 थे, क्योंकि यहाँ पे पीकॉक दिए गए हैं तो पीकॉक की लेग्स कितनी हुई टोटल 40 हुई, ठीक है, तो 40 हुई और यहाँ पे किसकी लेग्स थी 40 में से 40 लेग्स इनकी, तो 160 लेग किसकी बची, हिरन की बची, तो हिरन कितने हुए यदि 160 लेग्स उनकी हैं तो वो हुए आपके पास 4 से डिवाइड कर दो 40, तो यहाँ पे आप देखो 40 है और 20 है तो 60 टोटल बन रहे हैं, तो पर टोटल तो क्या थे 80 थे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट आप काउंट करो
यदि आपके पास 40 आपके पास पीकॉक हैं, तो टोटल उनकी लेग्स कितनी बनी 80। ओके 80 उनकी बनी, तो 200 में से 80 उनकी बन गई, तो 120 लेग्स किसकी बनी, हिरन की बनी। तो हिरन को 4 से डिवाइड करो, 4 × 3 = 20, तो उसके अकॉर्डिंग आपके हिरन आए 30 और पीकॉक आए 40, तो टोटल 70 बन रहे हैं। पर आंसर तो आपका 80 है, टोटल तो 80। इसके अकॉर्डिंग आप फिर इसको चेक करेंगे और फिर मैं अब इसको चेक कर रही हूँ, ठीक है। जब आपने 60 को चेक किया, तो 60 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पीकॉक की जो लेग्स हैं वो कितनी आई 120। यदि मेरी पीकॉक की लेग्स 120 आ गई, तो मेरी हिरन की कितनी बची 80 लेग्स बची, तो 80 यदि मेरी हिरन की लेग्स बची तो 4 से डिवाइड करूंगी, तो मेरे हिरन कितने आ गए 20। अब देखो 20 हिरन आ गए और पीकॉक कितने आ गए 60, तो टोटल 60 + 20 = 80 आपके हो गए हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया 4। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन से चेक करना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच सेट ऑफ द नंबर्स इज लाइक द गिवन सेट। अब आपके पास ये सेट दिया गया है, ओके ये सेट दिया गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखना इसमें कुछ नहीं करना है, और आपके पास ये दिए गए हैं नंबर्स, तो इसमें कुछ ऐसा रिलेशन है, वही रिलेशन आपको इनमें मिलेगा, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये देखो 2 की टेबल देख सकते हैं, 2 × 7 = 14 एंड 2 × 8 = 16। ओके ये लॉजिक है, 2 × 7 = 14 लिखा गया है और 2 × 8 = मतलब पहले नंबर की टेबल रीड गई और नेक्स्ट नंबर्स उनकी टेबल में आते हैं, तो 2 की टेबल में 7 नहीं आते, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 × 7 = ये भी लॉजिक नहीं बन सकता। ओके आफ्टर दैट अब देखो 3 × 7 = 21 एंड 3 × 8 = 24। सो वही लॉजिक लग रहा है कि पहले नंबर का 7 और दूसरे पहले नंबर का 8 तो यही आपका आंसर होगा। इसमें क्या है 4 × 4 = 16 और 18 तो टेबल में आता ही नहीं है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, पर क्वेश्चन को सोल्व करने का यदि तरीका आपको पता है तो आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी सिक्स आर देयर इन फॉलोइंग सीरीज इन विच इमीडिएटली प्रोसीड 1 और 5 एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 3 और 9। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे कितने सिक्स ऐसे हैं, कितने सिक्स आपके पास इस सीरीज में है कि जिनके इमीडिएटली प्रोसीड का मतलब होता है पहले आना, पहले प्रोसीड का मीनिंग होता है पहले, कि सिक्स से पहले कितने में 1 और 5 है, और फॉलोड का मतलब है उसके बाद में 3 और 9 है। तो पहले आप इसमें क्या करेंगे, सिक्स जितने भी सिक्स है उनको सर्कल कर लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी रहता है कि हमारे पास जितने भी हमें सिक्स नजर आते हैं और वो उनको सर्कल करेंगे, और यदि जिस कंडीशन को ये फॉलो कर रहे हैं उसको राइट करते जाएंगे और बाकी को रॉन्ग करते जाएंगे। अब इन्होंने बोला है सिक्स से पहले क्या होना चाहिए 1 और 5, तो इसमें नहीं है, तो पीछे का चेक ही नहीं करना, ठीक है, आपको टाइम सेव करना है अपना। तो सिक्स से जस्ट पहले क्या है 5 है, ठीक है, और बाद में क्या होना चाहिए 3 और 9, तो बाद में 4 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 6 के जस्ट पहले 1 और 5 होना चाहिए, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो अभी आप 6 के जस्ट पहले 1 और 5 होना चाहिए था, 1 है, ठीक है, और जस्ट बाद में क्या होना चाहिए था 3 और 9, तो 3 और 9 में से 3 है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद फिर से आप चेक करो कि 6 से पहले क्या है आपका 5 है, तो यहाँ पे ठीक है ये 5 होना चाहिए था, और 9 बाद में क्या होना चाहिए था 3 और 9 में से 1, तो 9 है, तो ये भी राइट आंसर है, ये भी आपका ऑप्शंस का में आएगा। अब 6 से पहले क्या है 1 है, ये ठीक है, पर बाद में क्या होना चाहिए था 3 और 9 होना चाहिए था, 5 दे दिया गया है, ये रॉन्ग है। तो नेक्स्ट में आप चेक करेंगे 6 से पहले आपका क्या है 9 है, तो 1 और 5 में होना चाहिए था, ये नहीं होगा। तो ऑप्शंस आपके कितने आए हैं यहाँ पे 1 और 2, तो आपका ऑप्शन 2 क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरीके से कम टाइम में आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करती हूँ, बोन, बोन इज कोडेड एज एपी, आई थिंक APOQ इज गिवन हियर, ओके देखते हैं। सो एंड लैग इज कोडेड एज KBBL एंड आफ्टर दैट देन ग्रिड विल बी कोडेड एज, अब ग्रिड को क्या शो करना है आपको ये बताना है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है कि बोन, अब मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था कोडेड का वो एक डिफरेंट मीनिंग के साथ था और यहाँ पे एक डिफरेंट मीनिंग के साथ है। अब देख सकते हो बोन, अब लो देखो ए के बाद आपका क्या आ रहा है बी आ रहा है, फिर आपका ओ के बाद ओ पी आ रहा है, तो मीन्स एक लेटर इधर से इधर लिखा हुआ है, फिर सीरीज उधर से उधर जा रही है, तो क्यू के बाद क्या आ रहा है आर आ रहा है, देन एन ओ आ रहा है, तो इस तरीके से ही आपका सेम नेक्स्ट है। आप देख सकते हैं के बाद
एल है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है और के बाद एल है। तो सेम एज इट इज आपको इसमें फॉलो करना है। तो आप देखो ग्रिड से रिलेटेड आपका क्या बनेगा। तो पहले आपका क्या नंबर था, एफ। देखो एफ के बाद जी आप इधर आए, ठीक है, फिर आर के बाद एस आप इधर लिखेंगे और एच, एच के बाद फिर आई आप इधर आए और डी के बाद आप ई इधर लिखेंगे। तो आंसर सर्च करो कौन सा है, थर्ड आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा। होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। सो इस तरीके ही की टॉपिक मैं आपके सामने लेके आती रहूंगी जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। यदि आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।